पाक पतन के एक शहरी की ज़िंदगी का मकसद सरसब्ज पाकिस्तान है। गुलाम रसूल ने इस मकसद के लिए मुल्क भर में पौधे लगाए हैं। कहते हैं हुकूमत उन्हें कोई बंजर पहाड़ भी दे तो उसे भी 5 साल में सरसब्ज व शादाब कर सकते हैं। कोई गम हो या कोई खुशी, सदका जारिये के लिए एक पौधा लगाएं तो पाकिस्तान माहौलियाती तब्दीली का मुकाबला कर सकता है। देखते हैं तैमूर खान की रिपोर्ट। जंगलात में आग, सहराओं में खुश्क साली, ग्लेशियर्स का पिघलना, बेमौसमी बारिशें, सूरतहाल यही रही तो मुस्तकबिल में मजीद गैर मामूली तब्दीलियां हमारी मुंतजिर हैं। पाकपतन के गुलाम रसूल धरती के एक ऐसे सपूत हैं जो इन तब्दीलियों को रोकने और सरसब्ज पाकिस्तान के लिए मैदान अमल में है। मेरी जो ज़िंदगी का वो जो मकसद है या जिसमें उसमें यह है कि सरसब्ज पाकिस्तान मेरी मंजिल है, उसके लिए मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी वक्फ कर दी है। गुलाम रसूल अब तक 15 लाख से ज़ायद पौधे लगा चुके हैं। मैं जी इस टाइम तक 15 लाख से ज़ायद पौधों की प्लांटेशन कर चुका हूँ। गवर्नमेंट हर 8 कनाल ज़मीन के ऊपर 8 पौधों का कानून बना दे तो ये जो हमारे पटवारी भाई हैं ये किसान और ज़िम्मेदारों से लाखों नहीं करोड़ों बल्कि अरबों पौधे यही लगवा लेंगे उस कानून के तहत। पाकिस्तान में जंगलात का रकबा मजमुई रकबे का सिर्फ 5.2% है जो दुनिया की कम तरीन शहरों में से एक है। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों की तबाहकारियों से बचाना है तो हम सबको गुलाम रसूल की सोच अपनाकर एक पौधा तो जरूर लगाना है।